हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर इसे पीने के लिए हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कि घर पर वो टेस्ट नहीं आ पाता है रेस्टोरेंट जैसा, तो आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इससे जो आपका सूप बनेगा ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। इसको बनाने में सिर्फ सब्जियां काटने में आपको जो टाइम लगना है सिर्फ उतना ही टाइम आपको लगता है। सूप तो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही बढ़िया बनता है घर पर, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, मैं कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, आप पैन का यूज भी कर सकते हैं। और इसे हमें धुआं उठने तक गर्म करना है, तेज गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी हम मीडियम हाई या हाई रखेंगे, क्योंकि चाइनीज जो भी रेसिपीज बनती हैं वो हाई फ्लेम पर ही कुक होती हैं और ये एक इंडो चाइनीज रेसिपी है। दूसरा ये कि इसमें जो भी ऑयल आप ये यूज करेंगे वो बहुत स्ट्रांग फ्लेवर का नहीं होना चाहिए, जैसे सरसों ऑयल वगैरह ये यूज नहीं करेंगे। इसमें ऑयल मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन है बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है इसे भी बारीक चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च है इसको भी बारीक चॉप करके ले लिया है। ये तीनों चीज हम अभी डालेंगे एक साथ और इसको हमें 30 सेकंड तक भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। 30 सेकंड के लिए इसे हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां, तो इसमें आप अपनी मनचाही कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। ये 1 मीडियम साइज का गाजर है जिसे बारीक चॉप करके लिया है। सूप में आप सब्जियां जो भी डालें वो बारीक चॉप करके डालें, तभी वो फ्लोट करती हैं, नहीं तो वो सूप में नीचे बैठ जाती हैं। वैसे इसमें पत्ता गोभी डाली जाती है लेकिन पत्ता गोभी मेरे घर में कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये कलीफ्लावर डाल रही हूँ यानी फूल गोभी। ये 1/2 कप है बारीक चॉप की हुई, मिक्स कर देते हैं जरा सा। 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको भी बारीक चॉप करके लिया है, ये भी डाल देंगे। 1/2 शिमला मिर्च है इसको भी बारीक चॉप करके लिया है, और ये 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई बीन है फ्रेंच बीन, ये भी डाल देंगे। सब्जियां इसमें आप अपनी पसंद से कम ज्यादा या जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। बच्चे अक्सर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते या वेजिटेबल सूप भी वो पसंद नहीं करते, लेकिन ये ऐसा सूप है जिसे बच्चे चट कर जाते हैं एकदम से। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनना है, ज्यादा हमें सब्जियों को नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियां ओवरकुक हो जाएंगी और उसका टेस्ट नहीं आएगा। सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए, इसलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो 2 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप जितना पतला सूप को रखना चाहें उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देते हैं, उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर ही 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। सूप को हाई फ्लेम पर उबलते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीजें, तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस है ये डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा तीखापन आता है। हॉट एंड सॉर सूप है तो तीखापन तो इसमें अच्छा लगेगा ही, और विनेगर से इसमें खट्टापन आएगा। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो पहले आप इसे चख लें, नमक क्योंकि सोया सॉस में भी है चिली सॉस में भी है, तो इसलिए पहले आप नमक चख लें उसके बाद ही इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार। और अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच चीनी, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें खट्टापन है तीखापन है तो उस सबको ये बैलेंस करता है। तो 1/2 छोटा चम्मच चीनी, मिक्स कर देंगे सभी चीजों को और 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर हम और उबलने देंगे। उतने हम इसके लिए स्लरी बना लेंगे, तो ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इससे इसमें थिकनेस आएगी। अभी आप देख रहे होंगे पानी पानी हो रहा है ये, तो इससे थिकनेस आएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बढ़िया सूप बनेगा। तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप 1 टेबलस्पून मैदा ले सकते हैं, उसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी और इसका पतला घोल बना लेंगे, इसमें गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालते ही ये एकदम से थिक होने लगता है। ये सूप ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना ही बहुत पतला, मीडियम थिकनेस का होता है। देखिए ये थिक होने लगा है।
अब हम इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट के लिए सूप को हमने और पका लिया है और देखिए परफेक्ट है ये, इतना पतला ही सूप हमें चाहिए, ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं करेंगे। अब लास्ट में बिल्कुल इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन्स हैं, इसे इस तरह से काट लिया है बारीक, ये डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और गैस को अब हम कर देंगे बंद। सूप हमारा तैयार है, इसे करते हैं सर्व। रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर वेजिटेबल सूप बनकर तैयार है। अब इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन से। देखने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।